तो आम लास्ट क्लास कंटिन्यू करते जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम पीरियड डेरिवेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तुम सिलेबस आम पढ़ी कौन फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जीरो ऑर्डर देन ये सब आम पढ़ाई किंतु आम सिलेबस केवल फर्स्ट ऑर्डर आ जीरो ऑर्डर अच्छे तुम जीरो ऑर्डर अच्छे सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तुम सिलेबस ना कि एंट्रेंस ये समस्त बेस कर ग्राफिकल क्वेश्चन आसे। तो आस आम आज फर्स्ट ये जिते सब अच्छी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करदे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आम करवा जोटा कि एंट्रेंस पचारूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट आम देखा ग्राफ कहार ना ग्राफ हूँ रेट रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आम स्मॉल एन एल ए कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट आम फर्स्ट ऑर्डर पर देखा सेकेंड ऑर्डर पर जीरो ऑर्डर पर थर्ड ऑर्डर पर समस्त देखा आस गोटे गोटे आम कंटिन्यू करवा प्रथम आम नवा फर्स्ट ऑर्डर पर फॉर फर्स्ट ऑर्डर जदि फॉर फर्स्ट ऑर्डर देखिबो फॉर फर्स्ट ऑर्डर पर कौन हम फर्स्ट ऑर्डर पर हूँ आम जानचे रेट इक्वल टू के ए र कंसेंट्रेशन टू दि पावर वन ताले ये प्रूफ हो जाए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए र कंसेंट्रेशन ताले ग्राफ जदि हम ए र ग्राफ एटा को आम रखुचे एक्स एक्सीस रेट को रखिले वाई एक्सीस ग्राफ्टा कौन हम स्ट्रेट लाइन हम अलरेडी कहुई एबे आम देखा सेकेंड ऑर्डर पर देखा फॉर सेकेंड ऑर्डर जोटा कि तुम सिलेबस ना बट ऑप्शन रे बेले बेले सेटिंग हो कि मेडिकल जेनी एंट्रेंस रे पचारूँ फॉर सेकेंड ऑर्डर पर कौन हम रेट इक्वल टू के ए र कंसेंट्रेशन टू दि पावर टू सेकेंड माने पावर टू रहिबो प्रूफ हो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रे कंसेंट्रेशन लो स्क्वायर ताले टी ग्राफिकल टा ग्राफ टा कौन हम ना ए रो स्क्वायर एक्स एक्सिस रखिली रेट को रखिली वाई एक्सिस रे डायरेक्टली माने कौन रहिबो स्ट्रेट लाइन ये हला फॉर सेकेंड ऑर्डर सेमती फॉर थर्ड ऑर्डर पई कौन हम फॉर थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पर तुम रेट इक्वल टू के ए र कंसेंट्रेशन टू दि पावर थ्री थर्ड ऑर्डर मान पावर थ्री रठू कन्स्टांट जदि के हुए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए र कंसेंट्रेशन टू दि पावर क्यू ताल एक्स एक्सीस आसो ए क्यू वाई एक्सीस आसो कौन रेट ताल ग्राफ्टा जेहेतु डायरेक्टली प्रोफेसनाल अच्छे से स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड जीरो ऑर्डर पर देखा फॉर जीरो ऑर्डर ऑलरेडी करा सर जीरो ऑर्डर तो आम कंपेयर करी समस्त को गोटे जगह रखीदे फॉर जीरो ऑर्डर पर रेट इक्वल टू के ए र कंसेंट्रेशन टू दि पावर जीरो समथिंग टू दि पावर जीरो वैल्यू कैसे वन तो आर इक्वल टू के आसला रेट इक्वल टू कांस्टेंट ये कंसेंट्रेशन तुम्हें इनक्रीज करो डिक्रीज करो रेट उपरे किसी फरक पड़ो ना तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ताले ग्राफ्टा केमिति हबो ना ग्राफ तुम्हें कंसेंट्रेशन ऑफ ए रख एक्स एक्सीस वाई एक्सीस रख रेट ताले ग्राफ्टा हबो पैरेलल टू द एक्स एक्सीस ये थिला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फॉर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर कारण रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आम एवं सेकेंड ग्राफ करवा सेकेंड ग्राफ्टा हूँ हाफ लाइफ पीरियड हाफ
लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड सिंबल रहइबो टी हाफ वर्सेस, हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो हाफ लाइफ पीरियड रो फार्मूला तुम सिना दुईटा जानिचो, केवल फर्स्ट ऑर्डर आउ जीरो ऑर्डर रे जानिचो, किंतु सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रे तुम फार्मूला जानिनो कि तुम सिलेबस रे भी नाही। तो ता पई गुटे शॉर्टकट ट्रिक अछि, आसो मु से शॉर्टकट ट्रिक दे दउ छी, से ट्रिक ता को अप्लाई कर दउ, समस्त कर ग्राफ बाहर जीवो। से शॉर्टकट ट्रिक ता होउछि जे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए र माने कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस एन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा मत कह, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माने फर्स्ट ऑर्डर पाई एन वैल्यू 1 पुट हो, सेकंड ऑर्डर पाई एन वैल्यू 2 पुट हो, जीरो ऑर्डर पाई 0 एंड थर्ड ऑर्डर पाई 3 पुट हो। तो यही यही फॉर्मूला को बेस करके हमें समस्त रिलेशन पाई जीवा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर समस्त पाई हमको रिलेशन मिल जीवो। रिलेशन हमें ग्राफ इजीली ड्रॉ कर दे परबा, देखिबा आसो प्रथमटा हमें ड्रॉ करबा। फर्स्ट 1 रे हमें देखिबा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर पाई हमें देखिबा, तुम्हें तो फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी फार्मूला जानिच जे टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के, एटा तुम जानी तले कांस्टेंट बाय कांस्टेंट जे कांस्टेंट, तले हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट, किंतु हमें फार्मूला पर अप्लाई करी देखिबा। मते को फर्स्ट ऑर्डर पाई एन वैल्यू केते 1, मु जदी 1 पुट कर देबी तले 1 माइनस 1 केते हिजो 0, तले टी हाफ हमें जदी फार्मूला पुट करके देखिबा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू दि पावर 1 माइनस एन रो वैल्यू मु पुट करबी फर्स्ट ऑर्डर पाई 1, तले 1 माइनस 1 केते हला 0, समथिंग टू दि पावर 0 रो वैल्यू केते 1, तले टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू केते आसला 1, 1 माने कांस्टेंट एका कथा। एपटे आमी फार्मूला रु पाइथिले कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट, आम ट्रिक रु भी पाई गेले टी हाफ ए टू दि पावर 0, 0 माने 1, 1 माने कांस्टेंट। तले एटी ग्राफ टा केमिति हबो, एटी ग्राफ टा हबो जदी एक्स एक्सिस रो मु ए रखे, वाई एक्सिस रो जदी टी हाफ रखिबी, टी हाफ रखिबी, तले ग्राफ टा एमिति पैरेलल हबो। तमे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओ बा कमाओ हाफ लाइफ पीरियड के परे किछि फरक पड़िबो नाही। एबे आसो हमें देखिबा सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पई ए सेकंड ऑर्डर टा तमर जेहेतु सिलेबस रे नाही, तो एटी तमे फार्मूला जानिनो बट आम ट्रिक अप्लाई करि परबे। सेकंड ऑर्डर पई एन लो वैल्यू केते 2, जदी मु एटी एन लो वैल्यू पुट कर देबी टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 माइनस 2, तले 1 माइनस 2 माने कौन भला, 1 माइनस 2 माने तुम्हारे बाहर माइनस 1, माइनस 1 लिखा जहा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिखा, से टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, तले इनवर्सली माने कौन जने बढ़िले आउ जने कमिबो, तले एटी ग्राफटा कौन हबो जदी ए रहिला एक्स एक्सिस रे वाई एक्सिस रे टी हाफ रहिला तले ग्राफटा डिक्रीज करी करी जीव डाउनवर्ड। ये हला तमर सेकंड ऑर्डर पई हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेमती आमे फॉर थर्ड ऑर्डर देखिबा, फॉर थर्ड ऑर्डर पई आसे देखिबा, थर्ड ऑर्डर पई एन लो वैल्यू केते, एन लो वैल्यू 3, जदी एन लो वैल्यू 3 हुए ताले टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 माइनस 3 माने कौन आसीबो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए स्क्वायर, ताले एटी ए स्क्वायर जते बढ़िबो हाफ लाइफ सेते कमिबो, इनवर्सली माने ग्राफ टाइप बढ़िया हबो। एक्स एक्सिस रे रखो ए स्क्वायर, वाई एक्सिस रे रखो टी हाफ, ग्राफ टा डाउनवर्ड डिक्रीज करिबो। एंड लास्ट लास्ट तमे ऑलरेडी जीरो ऑर्डर जानिचो, तथापि आमी फार्मूला अप्लाई करके देखिबा। ताले जीरो ऑर्डर पई जदी आसो देखिबा, फॉर जीरो ऑर्डर पई
जीरो ऑर्डर एमती तमें तो जीरो ऑर्डर फॉर्मूला जानी चो जे टी हाफ इक्वल टू ए बाय टू के ताले के कांस्टेंट टू कांस्टेंट टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जदि आमे फॉर्मूला पुट करिबा एन रो वैल्यू जीरो जीरो पुट कर देले वन माइनस जीरो जो वन ताले टी हाफ इक्वल टू कैसे रहिबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए तेणु जहाँ पुट कले भी कि फर्मूला भी कहूँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ये आम इक्वेशन जो ट्रिक देखी भी कौन कहूँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दि पावर वन माइनस जीरो मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए या मान कौन जो कनसेंट्रेसन अफ ए रही टी हाफ रही ताले स्ट्रेट लाइन हम तो यही सब ग्राफ तुम ऑप्शन रे थी एंट्रेंस रे ऑलरेडी पचारूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये ग्राफ थी एटा थिबो एटा थिबो एटा थिबो तले सेकंड ऑर्डर ग्राफ एटा करेक्ट हबो बस सेतरु कोनी से ग्राफ तो मिसी मिसा के दीदु बुझ गयो ना चारटा ग्राफ दीदु सेतरु गोटे ग्राफ चूज करिवो बा ए ग्राफ पचारिवो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर व्हिच ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज करेक्ट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखो सब ग्राफ सेम सेम देखा होची किंतु एक्स एक्सिस चेंज होची एटा ए क्यू ये होची ए स्क्वायर ये अच्छे ए तुम जो ग्राफ मन रखी थे ए स्क्वायर रखी थो तुम चूज करदेव थर्ड ऑर्डर पर भूल केमती चूज कर क्वेश्चन दे थो ए ग्राफ दे थो ए ग्राफ दे थो ए ग्राफ दे थो लास्ट को नन अफ दी थी तुम जो ग्राफ मारिदेव ए स्क्वायर अनुसार भूल आंसर कौन हम नन अफ दी ये ऑप्शन नी पचार व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर थर्ड ऑर्डर ये ग्राफ्टा हवा कदा यू सी रखी ना यहाँ को रखियो ऑप्शन में आउ ये सब रखी थोड़ा तुम ये मन रख स्ट्रेट लाइन तुम मन रख फास्ट सेकेंड थर्ड तीन जन सेम ग्राफ कि भूली जाइ ए स्क्वायर ए क्यू अच्छे ऑप्शन रे थर्ड ऑर्डर पचार फास्ट ऑप्शन यही दे थो तुम मन रख मन खुशी मारदेव कि आंसर हो नन अफ दी बुझ तो यही हूँ एंट्रेंस क्वेश्चन मैंने तुमको सब क्वेश्चन आंसर भाई लगे सब ऑप्शन भाया जहाँ भी हो ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आम ओवरऑल पर कंपेयर करके मन रखीदे से समस्त ग्राफ को गोटे पेज रखिदेली एबे आमे जीवा कलिजन थियोरी लेख गोटे थियोरी एपर्यंत से क्वेश्चन आसी ना तथापि तुम्हें से थियोरी टाक मन रखा ट्राए कर हेडिंग कर कलिजन थियोरी कलिजन कलिजन थियोरी कॉलिजन थ्योरी कौन कौन ना ये बहुत सारा पोस्टुलेट्स दौ केमिकल रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी जे केमिकल रिएक्शन केमिति कैरी होची केमिकल रिएक्शन केमिति फास्ट होची गोटे केमिकल रिएक्शन रतटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग नहीं पारे ये सब को तुम कॉलिजन थ्योरी एक्सप्रेस कर एक्चुअली कॉलिजन थ्योरी आम एवं पढ़ा बट यार एप्लीकेशन आम फास्ट रू यूज कर सारे आस गोटे गोटे पॉइंट पढ़ले मुझे रिमाइंड करदेवि जे ये थ्योरी ऑलरेडी यार पोस्टुलेट्स को आम पूर्व यूज कर सारीचे प्रथम पॉइंट लेख दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट पॉइंट द रिएक्टेंट्स आर are made up of molecules the reactants are made up of molecules second point hochi second point the reactant molecules are always in state of random motion which results the collision which results the collision
between between them which results the collision between them. Next point hochi a chemical reaction, a chemical reaction takes place due to intermolecular collision between reactant molecules. Next point intermolecular collision. Intermolecular collisions are taking place in a single axis known as head on collision or ताको कहंती effective collision. Next point होची all collisions do not bring about the chemical reaction, only effective collisions bring about chemical reaction. And next point hochi to undergo an effective collision. The reactant molecules should have a certain threshold energy.
old age threshold energy. And next point कौन आसीबो? नेक्स्ट पॉइंट होची देयर आर मैक्सिमम थ्री मॉलिक्यूल्स देयर आर मैक्सिमम थ्री मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और देयर आर मैक्सिमम थ्री मॉलिक्यूल्स अंडरगो एन इफेक्टिव कॉलिजन। ये हला तुम्हारे पोस्टुलेट्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी। एंड अनदर पॉइंट होची जे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एबे हमें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रे गोटे स्टार दिख लिखी देबा। तुम ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन पचारि सारी छी व्हाट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, तो हमें लास्ट रे गोटे स्टार दिख लिखी देबा जे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी काहा को कहंती। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये तुम शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पचारि सारी छी व्हाट डू मीन बाय कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लेको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कॉलिजन टेकिंग प्लेस बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इन ए गिवेन टेम्परेचर। सरला तुम ए गिवेन टेम्परेचर, ठीक है, गुड। इन ए गिवेन टेम्परेचर तुम्हारे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एवं आस मु तुमको सब पॉइंट बुझे दूची। इन ए गिवेन टेम्परेचर मु एटी एडजस्ट कर दूची। ये ला लास्ट पॉइंट। आस मु एबे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊँ। एथिरु मैक्सिमम पॉइंट आम ऑलरेडी यूज कर सारी आउ किछि पॉइंट्स अछि जोडा कि मु तुमको बुझे दूची। प्रथम पॉइंट कहूची जे कॉलिजन थ्योरी फास्ट कहूची रिएक्टेंट गुड़ा कहा द्वारा तैयारी मॉलिक्यूल द्वारा तैयारी। सेकेंड पॉइंट कहूची जे मॉलिक्यूल सब कौन थे स्टेट ऑफ रैंडम मोशन माने ऑल डायरेक्शन ले मूव करथबे। यदि ऑल डायरेक्शन मूव करिये तांको भीतर कॉलिजन होवार चांस अछि देछि। व्हिच कॉजेस द कॉलिजन बिटवीन एंड मॉलिक्यूल्स
ठीक अच्छे। एंड थर्ड पॉइंट कहूँ, थर्ड पॉइंट कहूँ जे ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर माने इंटर मीन्स इन बिटवीन, मॉलिक्यूलर माने मॉलिक्यूल, जदि इन बिटवीन मॉलिक्यूल भितर कोलिजन हो तले से कौन हुए रिएक्शन हम तुमको मुझे कही सारी या अप्लाई करके। फॉर एग्जांपल आम थियोरेटिकली लिखी दूचे एच टू प्लस सी एल टू दैट गिव्स राइज टू टू एस सी एल आम लिखी दूचे, बट प्राक्टिकली प्राक्टिकली तुम के भाच जे एटा केमी हो कि एच टू सहित क्लोरीन हेले टू एस सी एल फर्मेसन हो। प्राक्टिकली कौन हुए ना एच टू हूँ गोटे मॉलिक्यूल, सी एल टू हूँ गोटे मॉलिक्यूल, एम कौन थे स्टेट ऑफ रैंडम मोशन थे गोटे पर्टिकुलर वेलोसिटी रे मूव करुवे, मूव कले भितर कोलिजन हम, कोलिजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हम, शेयरिंग से कौन करेंगे दु जन भितर गोटे पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बांधिक रही से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पाए आयोनिक बॉन्ड, हो पाए कोवेलेंट बॉन्ड, हो पाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हो पाए एनी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ केवल पॉसिबल हो जो से भितर गोटे कोलिजन हम, आउ दैट कोलिजन शुड बी टेक्स प्लेस इन ए सिंगल एक्सिस। ये लिखाई ऑल इंटरमोलिकुलर कोलिजन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल एक्सिस, सिंगल गोटे पर्टिकुलर एक्सिस हम, आउ आम कह हेड ऑन कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन। हेड टू हेड, हेड टू हेड मीन्स दैट कोलिजन शुड बी टेक्स प्लेस। देख ये दुटा कोलिजन गोटे सिंगल एक्सिस हवा दरकार। तुम कह सपोर्ट गोटे मॉलिक्यूल जाऊँगी, एपटे गोटे मॉलिक्यूल जाऊँगी, ई आसिक जस्ट यार एपटे कोलिजन कला, ई तार एपटे जाऊँगी, ई आसिक हल्का कोलाइड करके पास करगला। तले ए भोलिया कोलिजन को आम सिंगल एक्सिस कोलिजन कही परबा नाही बा इफेक्टिव कोलिजन हो कही परबा नाही। गोटे कोलिजन हवा पई हेले हेड टू हेड पूरा फेस टू फेस गोटे सिंगल एक्सीस कोलाइड हवा दरकार। हल्का जो साइड रे कोलाइड करके पलिज गोटे कोलिजन हो पार, बट नॉट ए सिंगल एक्सीस कोलिजन और नॉट ए इफेक्टिव कोलिजन और नॉट ए इंटरमोलिकुलर कोलिजन। तेणु इंटरमोलिकुलर कोलिजन हाँपाई हेले गोटे पर्टिकुलर एक्सीस कोलाइड हवा दरकार। नेक्स्ट पॉइंट दौची, नेक्स्ट पॉइंट कौन दौची, नेक्स्ट पॉइंट ऑल कोलिजन्स डू नॉट ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। जिते कोलिजन अच्छी से हो पार, हुए तो इंटरमोलिकुलर कोलिजन हो पाए बा हुए तो साइड वाइज कोलिजन हो पाए। ऑल कोलिजन केमिकल रिएक्शन दे पारे ना, आस कहीं मुझे मैंने दुईटा मॉलिक्यूल आसटा मॉलिक्यूल भितर गोटे जबरदस्त कोलिजन होगा हाई स्पीड रे, गोटे हेवी फोर्स रे कोलिजन हम, आउ एमती धीरे कि आसिक कोलिजन हल्का कोलिजन हो हल्का एमती आस दुज जस्ट टच करेंगे। दुईज बाइक वाला आसा जबरदस्त शहे शहे स्पीड रे कोलिजन करेंगे, आउ जे आस टेन टेन स्पीड बा फाइव फाइव स्पीड बा धीरे धीरे गड़े गड़े आसिक कोलाइज करदे। तले जो मैंने गड़े गड़े हल्का आसिक कोलिजन करुँचर किसी चेंज हम किसी हमें धीर कोलिजन करेंगे टी पड़गले फिर उठी उठाई फेर चलिए, कि जो मैंने शहे शहे स्पीड रे आस ब्रेक करके फिगर चेंज हो मैंने से रिएक्टेंट रही मैंने प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गले। तो ये एक्जाक्ट से भाया कहूँ जे ऑल कोलिजन डू नॉट ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, समस्त कोलिजन केमिकल रिएक्शन से ही मैंने जो मैंने गोटे पर्टिकुलर एनर्जी सहित आसिक बाढ़े, आउ दैट एनर्जी नॉन एज थ्रेसोल्ड एनर्जी। ये लिखी जे ऑल कोलिजन डू नॉट ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन, केवल इफेक्टिव कोलिजन ही केमिकल रिएक्शन दिए। इफेक्टिव कोलिजन क्या कह जो कोलिजन तौक लिखाई इफेक्टिव कोलिजन क्या कहते टू अंडरगो एन इफेक्टिव कोलिजन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, गोटे पर्टिकुलर एनर्जी सहित बाढ़ पड़ो से ही एनर्जी अधिक हेल्ले किसी असुविधा ना कि कमी गले रिएक्शन हो पार्वनि। माने मु कह एच टू आउ सी एल टू ए दिज को कोलिजन करने गोटे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार, धर 10 जूल 10 किलो जूल रे आंकु कोलिजन कले जाने रिएक्शन हे 10 रु अधिक हेले किसी असुविधा ना रिएक्शन फास्ट हो 12 13 15 100 जिते अधिक दे पार, बट 10 रु जब 0.1 भी कमी जाए 10 रु 0.1 भी जब कमीगला वन कमीगला 9 किलो जूल एनर्जी आंकु आढ़ेल तेल एम कोलिजन हम सत, बट से कोलिजन टाक आम इफेक्टिव कोलिजन कही पार ना, आउ इफेक्टिव कोलिजन ना रिएक्शन हो पार ना, सर गोटे सिंपल कोलिजन पड़ेज कि 10 अधिक देखिए रिएक्शन कर एनर्जी को आम कौन कौचे
थ्रेशोल्ड एनर्जी कहे जोटा कि मुझे पढ़ेबी व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड नेक्स्ट पॉइंट कौन आसा नेक्स्ट पॉइंट आसुच्चे मैक्सिमम थ्री मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और टू अंडरगो एन इफेक्टिव कलिजन एटा मुझे ऑलरेडी आगे कही सारी मॉलिक्युलैरिटी पढ़ेला बेले मॉलिक्युलैरिटी कही मैक्सिमम तीन टा मॉलिक्यूल भाग नहीं पारे कहीं जब गोटे कलिजन हम जड़े एक्स एक्सीस आसो जड़े वाई एक्सीस आसो जड़े जेड एक्सीस गोटे पॉइंट मैक्सिमम कतटा मॉलिक्यूल कलाइड करेंगे तीन टा मैक्सिमम से कहे गोटे केमिकल रिएक्शन हाँपाई गोटे इफेक्टिव कलिजन हाँपाई हेले मैक्सिमम तीन टा मॉलिक्यूल कलाइड करेंगे सो ये लिखाई मैक्सिमम थ्री मॉलिक्यूल से आम से लिखी थी मॉलिक्युलैरिटी नेवर एक्सीड थ्री तार रीजन होन लास्ट कौन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलिजन फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी पचार व्हाट इज कलिजन फ्रीक्वेंसी कौन ना जार जिते कलिजन फ्रीक्वेंसी अधिक तार रेट ऑफ रिएक्शन सेते फास्टर तो कलिजन फ्रीक्वेंसी इट स्टेटमेंट दिया है व्हाट डू यू मीन बाय कलिजन फ्रीक्वेंसी होउची नंबर ऑफ कलिजन टेकिंग प्लेस बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड गोटे सेकेंड रे धर 10 टा कलिजन हला ताले तार फ्रीक्वेंसी होउची 10 यदि गोटे सेकेंड रे 100 टा कलिजन हबो ताले फ्रीक्वेंसी 100 जिते नंबर ऑफ कलिजन अधिक हम से रिएक्शन टा अधिक हम रिएक्शन अधिक हेले हमर रेट टा फास्टर हो लिखाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलिजन फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम रे जितेटा कलिजन यूनिट वॉल्यूम माने गोटे एरिया को फिक्स कर दिगला गोटे एरिया भितर जी कलिजन हम पर सेकेंड रेटा को आम कह कलिजन फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन टेम्परेचर गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाई मत कह आम वॉल्यूम टा को फिक्स करदे टाइम भी फिक्स कर देले 1 सेकेंड किंतु टेम्परेचर को बढ़े देले तुम जान टेम्परेचर को बढ़े देले काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वेलोसिटी बढ़ी वेलोसिटी मिले नंबर ऑफ कलिजन बढ़ी गोटे स्टेटमेंट को डेराइव करने वेरिएबल को फिक्स करने पड़े ये वेरिएबल किए टेम्परेचर वेरिएबल किए सेकेंड वेरिएबल किए वॉल्यूम एम को फिक्स कर देला जो स्टेटमेंट जो फिगर टा आसीबो सेटा गोटे पर्टिकुलर तुम डेफिनेशन को बुझे सब फिक्स कर दिया पर वॉल्यूम पर सेकेंड पर कांस्टेंट टेम्परेचर बुझेगा तो ये कलिजन फ्रीक्वेंसी एबे आमे देखिबा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहती आस हेडिंग कर थ्रेशोल्ड एनर्जी टिके पूर्व तुमको कहूली व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यार सिंबल होची ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहते ना द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन और टू अंडरगो एन इफेक्टिव कलिजन तुम जान गोटे इफेक्टिव कलिजन ही रिएक्शन हम टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन हम तो गोटे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एनर्जी से कलिजन करेंगे फॉर एग्जांपल मुझे ये कहूँ जे H2+Cl2 दैट गिव्स राइज टू 2HCl ताले ए मानको कलिजन करिया बा रिएक्शन करिया पई गोटे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार लेट सेटा होची 10 किलो जूल एतिके एनर्जी तांको दरकार मिनिमम ताठू अधिक कले किछि असुविधा नै किंतु ताठू जे 0.1 कमी जाय ताले रिएक्शन हेई परिबो नै किंतु अधिक हेले रेट फास्टर हे जइबो तो मिनिमम जतिके दरकार सेटा को आमे कोन कहिबा थ्रेशोल्ड एनर्जी कहिबा ETH अच्छा
एबे हमें देखिए रिएक्शन एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी और आपको अदरवाइज कहती इंटरनल इंटरनल एनर्जी और आपको कहती अदरवाइज आपको कहती काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यार सिंबल हो ची आपको ईआर लिखती ईआर, आर माने रिएक्शन एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी कौन लिख द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच व्हिच इज स्टोर, व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड इनसाइड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी और ताको अदरवाइज कहती इंटरनल एनर्जी और एनर्जी। ठीक अच्छे, रिएक्शन एनर्जी इज नॉट सफिशियंट टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, फुल स्टॉप दी कंटिन्यू कर दियो, रिएक्शन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी भी कही पारिबो, रिएक्शन एनर्जी इज नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन गोटे केमिकल रिएक्शन एनर्जी टा सफिसीएंट नुहे। लास्ट हो जी सपोज सुन या कुछ ना 10 किलो जूल दरकार एतिक एनर्जी हेले ये रिएक्शन करिवो, मत को एटमॉस्फेयर रे हाइड्रोजन गैस अच्छी, एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन गैस अच्छी, हाइड्रोजन गैस भी मूव करुची, ऑक्सीजन गैस भी मूव करुची, आमे जानी जे हाइड्रोजन सहित ऑक्सीजन मिसिले वाटर फॉर्मेशन हुए, ताले तांकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन भीतर कोलिजन होउतिबो आरे से माने मूव करचुंदी माने तांकर निजर गुटे एनर्जी अच्छी, सेही एनर्जी द्वारा से माने मूव करचुंदी, बट मूव करला बेले कोलिजन होउची, बट सेही कोलिजन टा से माने रिएक्शन करुचुंदी की, रिएक्शन करले तो सब बेले वर्षा होता, आम एटमोस्फियर सब वाटर फर्मेसन होता कि हूँ कि प्राक्टिकाली ना ताने से कहते निज पाखे गोटे एनर्जी अच्छी से एनर्जी द्वारा से मूव करट से एनर्जी द्वारा रिएक्शन हो पारना जो अमाउंट ऑफ एनर्जी भितर स्टोर अच्छी अलरेडी से भाई एनर्जी को आम कह इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रिएक्शन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मुझे जानी H2 आउ Cl2 हवापाई के एनर्जी दरकार 10 जूल दरकार तांको पाखरे ऑलरेडी स्टोर है कि 4 जूल लेट 4 किलो जूल स्टोर है कि अछि ताले एई 4 किलो जूल द्वारा से माने मूव करचंती कोलिजन भी होउची बट से कोलिजन टा इफेक्टिव कोलिजन हेई पारुनी कारण इफेक्टिव होवा पई तांको केते दरकार तो जति कि दरकार सरा थ्रेशोल्ड एनर्जी जोटा तांको पाखरे ऑलरेडी स्टोर है कि अछि ताको कहंती इंटरनल एनर्जी बा रिएक्शन एनर्जी एटा हला ई आर रिएक्शन एनर्जी। मत को 10 हवा केते दरकार 6 दरकार जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करा जीवो प्रोवाइड करा जीवो टू अटेंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी से एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लिखा सो। नेक्स्ट होची एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ला सिंबल होची ई ए, यार स्टेटमेंट कौन हम ना द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ए सप्लाइड वर्ड लिख नूल द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड और प्रोवाइडेड भी लिख पार सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टू द रिएक्टेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू अटेन,
to attain threshold energy. To attain threshold energy. Or लिखी पारी वो or to undergo an effective collision. An effective collision. Or लिखी पारी वो to start a chemical reaction. तीनटा जाक टर्म सेम कारण थ्रेसल्ड एनर्जी हेले इफेक्टिव कलिजन हम इफेक्टिव कलिजन हेले केमिकल रिएक्शन हम तेणु सी कहे जी सर्ट पड़गला आम सप्लाय करवा सप्लाय कले सी क्या कौट रिच कर थ्रेसल्ड एनर्जी रिच कर थ्रेसल्ड एनर्जी को अटेन कर अटेन कले कलिजन इफेक्टिव हम इफेक्टिव हेले रिएक्शन स्टार्ट हम तेज धर मु कह मिनिमम दरकार 10 किलो जूल से थ्रेसल्ड एनर्जी पाखे ऑलरेडी स्टोर होती रिएक्शन एनर्जी आउ दरकार के 6 किलो जूल यहाँ तुमको सप्लाय करने पड़ो आम एक्सटर्नाल एजेंट सप्लाय करवा हिट मध्यम हो टेम्परेचर बढ़े हूँ सप्लाय करवा से ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को आम कौन कह एक्टिवेशन एनर्जी तो मोटामोटी आम लिखिपर थ्रेसल्ड एनर्जी इज द समेसन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिएक्शन एनर्जी तमें थ्रेसल्ड एनर्जी को अदरवाइज लिखिपर थ्रेसल्ड एनर्जी इज द समेसन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिएक्शन एनर्जी दैट इज ETH इक्वल टू EA प्लस ER और लिखी परिवा और आम कौन लिख पारा EA इक्वल टू ETH माइनस ER ताले एठू तुम गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी पचारे जे एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्शन उल्टा कहीदेली रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी किए कही पार जे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली माने मोर पॉइंट होउछि जदि एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर हुए रेट ऑफ फास्टर हबो ना स्लोयर हबो इनवर्सली हबो देखो सपोज आमर ई 6 जूल देले जाय कि रिएक्शन स्टार्ट हबो कारण ता पाखर ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी थिबो तमे एक्टिवेशन एनर्जी देले थ्रेसल्ड एनर्जी अटेन करियो त मोटामोटी तक एक्टिवेशन एनर्जी ही दरकार जोटा दरकार मिनिमम एनर्जी सारा थ्रेसल्ड एनर्जी ताकर अच्छी ये बाहर के डिमांड करुच्ची सब वे बाहर डिमांड कर एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेसल्ड एनर्जी नुहे थ्रेसल्ड एनर्जी तो ऑलरेडी ताकर इंटरनल एनर्जी अच्छी तेना बाहर सी सब डिमांड कर एक्टिवेशन एनर्जी से ही एनर्जी मिलीगले रिएक्शन स्टार्ट करदेव तो से ही एनर्जी जिते बड़ हम फिगर जिते लार्ज फिगर हम ताक मिलवा बड़ कष्ट बाहर जो एनर्जी मिल सेटा जिते छोट हम इजिली सी बाहर पाइज तो से एक्टिवेशन एनर्जी जिते लेस हम रेट ऑफ रिएक्शन से फास्टर हम ताल आम गोटे पॉइंट लिखा जे रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/EA
inversely proportional to activation energy. ताहले जदि एक्टिवेशन एनर्जी आउ रेट भितरे ग्राफ करा जीवो ताहले कौन आसीबो ग्राफटा एभले ग्राफ आसीबो ना मु एक्टिवेशन एनर्जी नेली एक्स एक्सिस रे रेट नेली वाई एक्सिस रे ताहले ग्राफ कौन हो जणे बढ़िले आउ जणे कमीबो डिक्रीज ग्राफ हो तुमको कैटलिस्ट पढ़ेला बेले मु कहितली जे कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी मुझे जिते सेकेंड क्लास पढ़ाई था सेकेंड लेक्चर में मुझे छटा फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती से छटा फैक्टर थी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेम्परेचर रेडिएशन ताभर जो कैटलिस्ट थी कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट थी नेगेटिव कैटलिस्ट थी सही गोटे पॉइंट कहुई था पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग डेथ से डैश जगह तुम लिख तो जार कैटलिस्ट कौन करे से अमाउंट टा कमे दिए से बाहर गोटे लार्ज अमाउंट डिमांड कर से लार्ज को स्मॉल कर दबो स्मॉल कर दबो ताको इजीली मिल जिवो इजीली मिले रिएक्शन टा स्टार्ट हो गला ताले कैटलिस्ट आउ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी भितरे जे तुम ग्राफ करबी ताले ग्राफ कौन हबो तमरो एनर्जी रो एक्सिस एटा होची रिएक्शन वाई एक्सिस रे नेली रिएक्शन प्रोसीड ऑलरेडी ग्राफ मु करि सारि थिले सेठी आउ थरे एठी करि दउची रिएक्शन प्रोसीड मते को रिएक्शन टा चेंज हे कि कोन दबो रिएक्टेंट चेंज हे कि प्रोडक्ट दबो ताले ई हला नॉर्मल कंडीशन बिना कैटलिस्ट रे ई जो एनर्जी रा दरकार एई एनर्जी को आमे कोन कहबा एक्टिवेशन एनर्जी एतिकि दरकार ई हला नॉर्मल कंडीशन मत कह जदि मुझे पॉजिटिव कैटलिस्ट देवी तेल सी पिकटा को कमे ना बढ़ेब कमेदेव पॉजिटिव कैटलिस्टर काम हो पिकटा को कमेदेव माने एक्टिवेशन एनर्जी कमेदेला ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट किंतु नेगेटिव कैटलिस्ट कौन कर ये पिकटा को बढ़ेदेव ये हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्टर काम हो ये पिकटा को कैटलिस्ट ए पीक को इनक्रीज करदेव तेणु आम ये कौन करवा जे या लिखिद पॉजिटिव देखो बेले बेले पॉजिटिव कैटलिस्ट न लिखिकी जनरली ओनली कैटलिस्ट लिखि थाए तुम्हें जमी प्लस वन माइनस वन प्लस वन को प्लस वन लिखिप ओनली वन लिखिप सेमती पॉजिटिव कैटलिस्ट बा ओनली कैटलिस्ट लिखिले तुम से पॉजिटिव कैटलिस्ट भाव किंतु नेगेटिव कैटलिस्ट माने से इंडिकेट करिया पय पड़िबो नेगेटिव बोली पॉजिटिव कैटलिस्ट को सिंपली कैटलिस्ट लेखंती बा पॉजिटिव लेखि परिबो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एटा ही से ब्लैंक रखी था सेमती नेगेटिव कैटलिस्ट कौन हो बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी आस दुटा ग्राफ कर दबा देन आम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करिया आउ किछि रही जीवो नेक्स्ट क्लास आम चैप्टर ओवर हबो आस मु दुटा ग्राफ दउची एक्जोथर्मिक आउ एंडोथर्मिक पई दुटा ग्राफ आम कंपेयर करके लिखि दबा ए एक्टिवेशन एनर्जी आम अप्लाई करवा ऑन एक्जोथर्मिक रिएक्शन आम प्रथम देखा एक्जोथर्मिक रिएक्शन तुमको फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी ये आम ग्राफ्टा दरकार एक्जोथर्मिक पर आम थ्रेसोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन एनर्जी ग्राफ माध्यम शो करवा सेमती फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन पर हमें सॉल्व करिवा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन तुमको कहुव एक्जोथर्मिक रिएक्शन ले हीट एनर्जी रिलीज हुए एंडोथर्मिक रिएक्शन ले हीट एनर्जी ऑब्जर्व हुए तेणु हीट एनर्जी जदि ऑब्जर्व हला ताले एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट कारण रिएक्टेंट रा जहाँ एनर्जी थी
से एनर्जी अब्जर्व कला पर प्रोडक्ट ही होची ताले प्रोडक्ट टाइम रे एनर्जी बढ़ी है थाए ताले एटी डेल्टा एच रे कोन आसीबो ना डेल्टा एच ऑलवेज कोन आसीबो पॉजिटिव कारण आमे जानचे डेल्टा एच होची एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इक्वल टू केता आसीबो पॉजिटिव आसीबो चेंज इन एन्थालपी एंडोथर्मिक पाई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तनो डेल्टा एच माने चेंज इन एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी रिएक्टेंट एनर्जी पॉजिटिव आसीबो जदि मु एटी ग्राफ करबी ताले ग्राफ टा कोन हो देखो ये होची तमरो रिएक्शन प्रोसीड माने रिएक्शन प्रोसीड मीन्स रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट दबो आ वाई एक्सिस रे मु चूज कली एनर्जी ये एनर्जी रे हेई परे एक्टिवेशन एनर्जी हेई परे थ्रेशोल्ड एनर्जी हेई परे रिएक्शन एनर्जी आसा देखियो आसो मत को रिए जते हाइट को जीवो सते एनर्जी बढ़िबो ताले प्रोडक्ट रे एनर्जी रा ग्रेटर अछि ताले हाइट रे के थिवो प्रोडक्ट थिवो ना रिएक्टेंट थिवो प्रोडक्ट उपरे थिवो रिएक्टेंट तळे थिवो देन जाकि ए सटिस्फाई करिवो ताले मु रिएक्टेंट को तळे रखि देली आर आर माने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को टिके उपरे रखली ये हला प्रोडक्ट तनो रिएक्टेंट रु प्रोडक्ट हबो ये हला रिएक्शन रिएक्टेंट रु कोन हबो प्रोडक्ट अच्छा टोटल पीक टा अच्छा जतिके एनर्जी रिएक्टेंट पाकर स्टोर हे के अछि तो ये एनर्जी को आम कौन कहवा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बा इंटरनल एनर्जी तक कही पार ये हला ईआर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यही जो हाइट आसला ए हाइट टा को कहा जीवो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहवा को ईपी एबे मते को टोटल हाइट टा कौन हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कारण एतिके एनर्जी हेले जाय कि सी रिएक्शन करिवो ताले ये हबो ई टी एच देखो टिके टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी दरकार एतिकी ऑलरेडी तांको पाखरे एतिकी स्टोर हे के अछि ए जो डॉटेड लाइन टाली एतिकी स्टोर हे के अछि आउ ताकू सप्लाई करते पड़िबो कते एतिकी एतिकी अछि आमे एतिकी सप्लाई करले टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन करिवो ताले एही जो मु नेली हाइट टा एटा होची सप्लाइड एनर्जी माने एक्टिवेशन एनर्जी एबे देखो एटा ला एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एठी जो डॉटेड लाइन मु टानली एटा होची एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दुई जन भीतर जो डिफरेंस आसीबो से डिफरेंस टा किए डेल्टा एच एटा इक्वल टू कोन आसीबो पॉजिटिव ये हला तमोर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन से बट हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन करबा जहाँ ये सेयार रही केवल डिफरेंस ये कि ये रिएक्टेंट ऊपर रही प्रोडक्ट तले रही ताले एक्सोथर्मिक रिएक्शन पाई एनर्जी बाहरी होउची ताले प्रोडक्ट बेल को एनर्जी कमी जीवो कारण सेठी एनर्जी रिलीज हो तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ताले एटी डेल्टा एच रे कोन आसीबो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सॉरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू केता आसीबो नेगेटिव आमे जानचे डेल्टा माने ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल ताले एटी नेगेटिव आसीबो जदि ए केस रे मु ग्राफ करबी ताले एक्स एक्सिस रे रखिबी रिएक्शन प्रोसीड मीन्स रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट एंड वाई एक्सिस रे रखिबी एनर्जी ताले मते को एटी रिएक्टेंट आ प्रोडक्ट रिएक्टेंट रे एनर्जी अधिक रिएक्टेंट हाइट रे रहिबो प्रोडक्ट कोन रहिबो तळे रहिबो कारण प्रोडक्ट रे एनर्जी कम जो हाइट रे रहिला ताले जति हाइट रे अछि एटाला एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये होची एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टोटल एनर्जी टा को हम कोन कहबा थ्रेशोल्ड एनर्जी ई टी एच एती की एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट पाकर स्टोर हे के अछि एती की ताले ई एनर्जी टा को हम कोन कहबा एक्टिवेशन एनर्जी ये होची एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आंको भीतर जो डिफरेंस टा रहिला सही डिफरेंस टा को हम कोन कहबा डेल्टा एच इक्वल टू इटा कौन हम नेगेटिव रही ये ला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एटा जानी परिबो तो पी हला प्रोडक्ट आर हला रिएक्टेंट ई आर हला एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बाय रिएक्शन एनर्जी आकु कहि परिबो ये हला एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टोटल हाइट ई टी एच थ्रेशोल्ड एनर्जी ई एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट क्लास आमे कंटिन्यू करबा मने पके दबो आरएनएस इक्वेशन आरहेनियस इक्वेशन हमें कंटिन्यू करिबा।
आज ये था। नेक्स्ट क्लास देखा।